हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्शन रिएक्शन। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त फर्रुख मुगल। स्टिल यू डिड नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। सब्सक्रिप्शन के कोई चार्जेस नहीं, इट्स फ्री एंड ऑलवेज विल बी। ये दरअसल बेसिकली जो आज की हमारी अभी की वीडियो है, ये रिव्यू की वीडियो, और हम इसमें रिव्यू करेंगे खास ड्रामे का, जो कि पाकिस्तानी ड्रामा है, और बेहतरीन तरीके से हम आपको इसमें इसका रिव्यू करेंगे और इसके हवाले से बताएंगे, जो कि ड्रामा कंप्लीट ख़त्म हो चुका है, आ चुका है और आपको मिल जाएगा देखने के लिए बआसानी यूट्यूब और दीगर एप्लीकेशन पर। अब हम बात करते हैं आपसे इसी ड्रामे के हवाले से, स्टार्ट लेते हैं और बताते हैं वजाहत के साथ कि क्या क्या था इस ड्रामे में और किस किस तरीके के साथ कास्ट थी, और अब और इसी हवाले से हम बात वगैरह आपसे करते हैं। जैसे कि ड्रामे का नाम मैंने आपको बताया खास है, तो ड्रामे का नाम भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का खास रखा गया है, और इस ड्रामे को डायरेक्ट किया है दानिश नवाज़ ने, और इस ड्रामे को लिखा है सरवत नज़ीर ने, और इसके जो प्रोड्यूसर हैं वो हैं मोमिना दुराद, और ये बनाए MD प्रोडक्शन के बैनर तले, और इस ड्रामे में जो लीड पेयर हैं वो हैं सनम बलोच, और उनके साथ हैं अली रहमान, जो कि मेन लीड पेयर में शामिल हैं, और इसके अलावा जो दीगर कास्ट है वो उनमें शामिल हैं हारून शाहिद, हिरा तरीन बहरोज़ सब्जवारी, लुबना असलम, साजिदा सैयद, सबा फैसल, नताशा अली एंड अनम गोहर शामिल हैं, जो कि सपोर्टिंग कास्ट के अंदर हैं। और मैं बताता चलूं कि ये सनम बलोच ने इस ड्रामे के अंदर कमबैक किया है, काफ़ी साल से वो ड्रामों में नहीं आ रही थी। लास्ट ड्रामा जो उनका आया था वो आया था 2017 के अंदर तेरी रज़ा, और उसके बाद इन्होंने कमबैक किया इस ड्रामे के अंदर। और सनम बलोच के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि सनम बलोच जो हैं पाकिस्तानी हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस हैं पाकिस्तान की, और जो कि मल्टी टैलेंटेड किस्म की हैं, और ये ड्रामा जो खास रिलीज़ हुआ था, यानी कि फर्स्ट एपिसोड जो उसकी रिलीज़ हुई थी वो हुई थी 17 अप्रैल को 2019 को, और 23 अक्टूबर 2019 को ये ड्रामा ख़त्म हो गया, और इस ड्रामे की एपिसोड जो हैं 27 एपिसोड आई हैं इसकी, और 27वीं एपिसोड लास्ट एपिसोड थी। बहुत ज़्यादा एपिसोड नहीं है, 27 एपिसोड भी ठीक हैं, और मतलब ज़ाहिर 30-35 हो जाती तो बहुत ज़्यादा हो जाती, लेकिन परफेक्ट किस्म की और बहुत बेहतरीन तरीके के साथ इस ड्रामे को पेश किया गया। मैं ड्रामे की स्टोरी के हवाले से आपको बताता चलूं कि ड्रामे की स्टोरी में जो मेन लीड में सनम बलोच है, तो उनकी स्टोरी दिखाई गई है कि वो किस तरह से उनकी शादी होती है किसी लड़के के साथ, अली रहमान जो के हैं उनसे होती है उनकी शादी, और फिर जो है उसके बाद क्या क्या मसले मसाइल होते हैं, और फिर किस वजह से वो शादी ख़त्म होती है, और क्या क्या मसले मसाइल होते हैं, फिर सनम की दूसरी शादी होती है, उस लड़के की भी दूसरी शादी होती है यानी कि अली रहमान की भी, फिर दोनों की दूसरी शादी का क्या हाल होता है, और फिर तीसरी होती है या नहीं होती, तो तीसरी बिल्कुल भी नहीं होती। और जो है इस ड्रामे को मैं, जैसे आप रेटिंग में कहें तो मैं आप इसको बोलूँगा कि आपको बहुत परफेक्ट किस्म का ड्रामा है, बस इस ड्रामे का एंड सैड रखा गया है। ओवरऑल जो अली रहमान ने करेक्टर इस ड्रामे के अंदर निभाया गया है, वो ऐसे लड़के का निभाया गया है जो खुद परस्त होता है, अना परस्त होता है, अपनी तारीफ करना जानता है, अपने आप को ऊँचा दिखाना जानता है, अपने आप को ही सब कुछ समझता है कि मैं ही सबसे हसीन हूँ, मैं ही सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मैं ही सबसे ज़्यादा खूबसूरत हूँ, मेरी जॉब सबसे अच्छी है जिसके अंदर मैं शामिल हो जाती है, तो वो वाला किरदार इसका दिखाया गया है अली रहमान का, जो कि उन्होंने बहुत ज़्यादा परफेक्ट तरीके से निभाया है। और सनम बलोच से जब इनकी शादी हो जाती है तो फिर जो है क्या क्या मसले मसाइल आते हैं, वो यही आते हैं कि मैं आ जाती है बीच में, कि मैं हूँ, मैं ये मैं वो मैं, बस ये इस मैं की वजह से इनकी शादी नाकाम होती है। उसके अलावा जो कहानी ड्रामे की बढ़ती है, तो वो आप ड्रामा देखेंगे तो आप जान सकेंगे, और बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, और ये ड्रामा आपको बआसानी मिल जाएगा। आप इसको ज़रूर 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 देखें, बहुत ज़्यादा ख़ास और इम्पॉर्टेंट ड्रामा है, सब ने बहुत बेहतरीन किस्म की कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, परफेक्ट किस्म की एक्टिंग है, और हर एपिसोड अपने अंदर एक मिसाल है। जब आप स्टार्ट के एपिसोड देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, बीच में आप थोड़ा सैड और डिप्रेस हो जाएंगे, लेकिन बिल्कुल भी नहीं होना आपको, क्योंकि ज़ाहिर है जब स्टोरी बढ़ती है आगे तो मतलब जैसे कि सैड लम्हे बंदा सैड हो जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सनम बलोच ने बहुत अच्छे तरीके से किरदार को एक चीज़ को निभाया है, तो अगर आप सनम बलोच के फ़ैन हैं तो आप सैड हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे, तो बिल्कुल भी उदास ना हो। आगे की एपिसोड जब आप देखेंगे तो ड्रामा जो रुख पलटेगा और जो कि करवट लेगा तो परफेक्ट किस्म की है, और इस ड्रामे का OST जो है वो भी बहुत ज़्यादा ख़ास किस्म का है, बहुत परफेक्ट तरीके से गाया गया है, निभाया गया है, जो कि डायरेक्ट दिल को छूता है। ओवरऑल बहुत ज़्यादा परफेक्ट बिंदास किस्म का ड्रामा है, बहुत खूबसूरत अंदाज के साथ निभाया गया है, अली रहमान खान ने जो काम किया, जो किरदार उन्होंने किया है ना,
तो ये जो किरदार होता है ये माशरे में पाया जाता है, अनापरस, खुद परस और खुद को सब कुछ समझने वाला। हर माशरे, हर सोसाइटी, हर खानदान, हर एरिया के अंदर एक ना एक बंदा ऐसा होता है। और ख़ासकर आजकल लड़कों में खसूसियात ज़्यादा पाई जा रही, लड़कियों में तो होती थी लेकिन लड़कों में पाई जा रही, तो जिसकी बिना पर शादी नहीं चलती, नाकाम हो जाती है, क्योंकि वो किसी चीज़ को मतलब जो अहमियत नहीं देते, अपने आप को ही तरजीह देते हैं, अपने आप के अलावा उनको कोई चीज़ नज़र नहीं आती। अली रहमान का जो किरदार इन्होंने निभाया है इस कैरेक्टर के अंदर, बहुत परफेक्ट तरीके से निभाया है। और मैं बता दूं, अगर आपको नहीं यकीन, तो इस तरह के किरदार और इस तरह के लोग माशरे में मौजूद हैं। मैं आपको अपनी पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि मेरा एक दोस्त है, वो बिल्कुल सेम अली रहमान की तरह है, और मतलब और उसकी भी शादी का ऐसा ही कुछ हिसाब चल रहा है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि वाकई में बहुत ज़्यादा माशरे की और हकीकत की अकासी ये ड्रामा करता है, और सब ने बहुत परफेक्ट किस्म का किरदार निभाया। सनम बलोच ने बहुत ज़्यादा अच्छी एक्टिंग की है, ड्रामे का एंड सैड है लेकिन जो है परफेक्ट है एक तरह से, और ओवरऑल सब कुछ बहुत बिंदास है। आप बहुत आसानी इसको देख सकते हैं, और जब आप देखेंगे तो इन्जॉय कर सकेंगे। बेहतरीन किस्म का ड्रामा है, तो जो कि आप कह लें कि जितनी इसकी तारीफ की जाए कम है। तो जी फ्रेंड्स, ये था मतलब इस वीडियो के अंदर हमने आपको किया इस ड्रामे का रिव्यू, खास ड्रामे का, जो कि पाकिस्तानी ड्रामा था और बहुत परफेक्ट किस्म का था। आपने नहीं देखा अगर तो आप देख सकते हैं, आसानी आपको मिल जाएगा और आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे साथ ये देखा तो नहीं बल्कि मेरे साथ सुना इस ड्रामे की तारीफ और इसकी अच्छाइयाँ, और जो कि वाकई में तारीफ के काबिल है। अब जो है आप भी हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं कि आपकी क्या राय है इस बारे में, कि आपने ये ड्रामा देखा या नहीं देखा, या आप देखेंगे, या कुछ भी इस हवाले से आप अपनी राय से हमें आगाह कर सकते हैं। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर माई वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।